दोस्तों आज मैंने ऐसे कपल को पकड़ा है जो एक दूसरे को सिखाते हैं कि बॉडी बिल्डिंग कैसे की जाती है। नहीं विश्वास आता तो मैं अभी दिखाता हूँ। एक बार रजत सर दिखाना है, भाई सर दिखा दो, ये देख लो भाई, ये हमारे रजत सर का है और ये बिंदे में एक बार आप भी दिखा दो भाई। तो सर आपकी आपस में रहती है कि कौन ज़्यादा मतलब होता चिकन खाएगा या क्या, मतलब डाइट में कैसे करते हो, आपस में एडजस्ट करते हो आप लोग? हाँ, जब दोनों खेलते हैं तो एडजस्ट करना ही करना है, और जब एक ही प्रोफेशन में एक ही गेम में है, द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम लोग समझ सकते हैं एक दूसरे को कि भी इसमें किस तरीके का सैक्रिफाइस चाहिए और किस तरीके का कंपेनियनशिप चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैम अभी इन्होंने गोल्ड जीता था शुरू में, मैंने देखा था आप स्टेज के बैक स्टेज पर थे आप, और आप देख रहे थे उस टाइम, आप सपोर्ट कर रहे थे, मेंटली क्या रहता है माइंड में कि यार मैं अपने पति को कैसे खुश हो या क्या करूँ उसके लिए कि वो उसका चिड़चिड़ापन ना हो, ऐसा क्या दिमाग में रखते हो आप, कैसे कंट्रोल करते हो एक बीस को, कैसे कंट्रोल करते हो? मेरा कुछ नहीं है एक्चुअली, मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मुझे पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है और एथलीट्स को कैसे हैंडल करना है। आपको उनको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, उनको जब आपको लगे कि वो थोड़े से चिड़चिड़े हो रहे हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, एंड स्पेशली मेन को अगर खाना टाइम पे ना मिले या उनकी एपेटाइट से कम खाना मिले तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, तो उनको उस टाइम पर अकेला छोड़ दीजिए और उनसे जितनी कम बात हो, सिर्फ मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करती हूँ, गिरा खाना ले लो बस ले लो, अगर ये कुछ पूछेगा तो ही मैं जवाब देती हूँ, मैं मुँह से कुछ नहीं निकालती। रजत भाई ये बात सच है? हाँ ये सच है, लेकिन हाँ अब चूंकि ये भी प्रेम कर रही हैं, ये भी वेलनेस में खेल रही हैं, यही क्वेश्चन था भाई, हाँ आप कैसे करते हैं? तो देखो ऐसा नहीं है, एक बॉडी जो भगवान ने दी है वो दोनों के लिए दी है। अब अगर हम इतना खाते हैं तो हमारा डाइट के टाइम पे चार छः हफ्ते पहले इतना हो जाता है, ये लोग अगर इतना खाते हैं तो इन लोगों का इतना हो जाता है, तो इनके साथ भी वही चीज़ आती है, कहीं ना कहीं पर इरीटेशन लेवल आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ये हमारे डॉग्स पे जो है वो इरीटेट होती है, तो मैं इन पर इरीटेट हो जाता हूँ, तो डिपेंड्स, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, कुछ उसमें कर नहीं सकते, बट यस जब दोनों साथ होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि जब समझते हैं तो ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करती। आपके आपके पास तो पीटीज भी होती होंगी, आप जी हमें करवाते हो, तो मैं उन पीटीज वालों के साथ कैसे बिहेव करता है आप लोगों का? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है आपको प्रेप के साथ काम करना, लेकिन आपको पैसा भी कमाना है, लेकिन क्लाइंट की गलती नहीं है कि आपका अपना डिसीजन है कि आप एक्चुअली प्रेप कर रहे हो या कम खा रहे हो या ज़्यादा खा रहे हो, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, लेकिन आपको हमेशा, आप सोए हो या नहीं सोए हो, खाया है या नहीं खाया है, आपको हमेशा ये स्माइल रखना पड़ेगा, हमेशा अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा, बिकॉज क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है तो वेंट आउट भी करता है, उसकी खुद की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो एक ट्रेनर को, बिकॉज हमारा काम सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं है, मेंटली इमोशनली फिजिकली सोशली हर चीज़ में हमको हेल्दी रखना पड़ता है अपने क्लाइंट्स को, तो हमको बहुत ज़्यादा उनका सुनना भी पड़ता है, तो हमको बहुत बैलेंस करना पड़ता है, यू नो, एंड बच्चे भी हैं साथ में तो वहाँ भी बहुत बैलेंस करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं मेडिटेशन करती हूँ एंड मैं एवरी डे बहुत ज़्यादा प्रे भी करती हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दो, ट्रस्ट मी, कि मैं किसी के ऊपर ना चिढ़ूँ और मैं इस चीज़ से लड़ सकूँ। मैम सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का खर्चा कितना है? मत पूछो, इनकम नहीं पूछ रहा मैं, नहीं नहीं इनकम खर्चा ही मत पूछो। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी, मैंने अभी अपने सोशल मीडिया पे डाला था, मैं कोई शॉपिंग नहीं करूंगी, कोई शॉपिंग नहीं करी हूँ, क्योंकि अगर मैं एक प्रेप कर सकती हूँ या मैं गुची का हर महीने गुची का एक ब्रांडेड बैग ले सकती हूँ, तो आप समझ सकते हो कि कितना खर्चा है प्रेप का। और सर कर रहे हैं सर, मसाजी का कुछ ले रहे हैं? नहीं ले सकता, बॉडी बना ले बहुत है। देखो मैं बताऊँ, फ़र्क हो जाता है कि आप क्या क्वालिटी अपनी बॉडी को यूज़ करा रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ आज के टाइम में 500 रुपए की है वो चीज़ 5000 रुपए की भी है, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस क्या है, आप 500 से लेके 5000 के बीच में 4500 रुपए का डिफरेंस आता है, और आप मान के चलो किसी को आईफोन पसंद है, किसी को 10000 रुपए वाला नॉर्मल फ़ोन पसंद है, आप ऐसा मान के चलो, बट येस वी बिलीव कि अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो वो हमें 100% क्वालिटी वाली चीज़ों से करनी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अगर चिकन खाना है वो भी अच्छा खाना है, मटन खाना है वो भी अच्छा खाना है, सप्लीमेंट्स लेने हैं वो भी टॉप ग्रेड के लेने हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि अगर 10000 रुपये कम है तो 10000 रुपये कम का सप्लीमेंट ले लें, अगर कोई भी और स्टफ़ लेना है तो हम लोग को क्वालिटी ग्रेड का लेना है, मतलब सो इट्स लाइक नो कॉम्प्रोमाइज़। तो जहाँ पर अगर मेरा 10 रुपये खर्च हो रहा है तो अगर मेरा 15 रुपये खर्च होता है तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, द सेम इज़ विद हर, कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि वट एवर द बेस्ट इज़ अवेलेबल, और अगर मार्केट में हमें पता है क्या चीज़ अवेलेबल बेस्ट नहीं है तो हम उसका तोड़ करके उस चीज़ की बेस्ट को अवेलेबल कराते हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए, तो आप समझ सकते हो कि नॉर्मल लोगों से खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही होता होगा। भाई जो मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं, मैं रजत भाई को 2016 से जानता हूं और ये मैं ऑन कैमरा सच्चाई बोल रहा हूं,
इज़ द बेस्ट टू ट्रेन अ लेडीज़, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ कैमरे पे। मैंने और ट्रेनर्स को भी देखा है, मैं रजत भाई ये सच्चाई बता रहा हूँ, वो कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी मतलब कुछ बोले तो कुछ भी। और मैंने कई के इंटरव्यूज भी करे हैं, मेरे को कई ने बताया कि 7 ml 6 ml एक्स्ट्रा डाल दिया, कुछ कर दिया। पर मैंने जितनी फीमेल एथलीट्स आपके पास देखी, मैंने उनको किसी को चेंज होते हुए देखा। और ये एक अप्रिसिएशन का पॉइंट है कि आपके पास ये चीज़ है, मतलब दिस इज व्हाट यू हैव, कि भाई आप कुछ गलत नहीं करते किसी के साथ। फीमेल कंटेस्टेंट जो देखना चाहते हैं अपना करियर, वो रजत भाई के पास है, मैं उनको बता दूँ। देखिए सबसे पहले ना इंडिया में ये चीज़ मैं खुद ही परेशान होता हूँ, ये एग्जाम्पल तो आपने भी देखे होंगे फीमेल वाले, जो मैं उसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको, कि मेरे पास अगर कहीं और से कोई फीमेल आती है ना, तो उसका सबसे पहले यही सवाल होता है, मैं बिल्कुल खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, कि सर हमारी साइकिल क्या होगी, हमारे एनाबॉलिक्स कौन से यूज़ होंगे। लेकिन अगर आइडियली देखा जाए तो इनिशियल लेवल पर इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मेन होता है अगर आपका न्यूट्रिशन और अगर आपकी ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी है, उसमें आप मोर देन 70-80% रिजल्ट निकाल लेते हो। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से ही एथलीट को इस तरीके का बना के चलोगे कि नहीं पहले दिन आपको ये लेना है, दूसरे दिन ये लेना है, तीसरे दिन ये लेना है, इट डजंट वर्क लाइक दिस। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ज़रूर देना है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये गेम इसका नहीं है, इस चीज से केवल 5-10% का पुश मिलता है, बाकी के 90% लोग भूल जाते हैं और 10% को पहले आगे रखते हैं। आइडियली इट शुड नॉट बी लाइक दैट। और क्या होता है, इतना जितना क्वान्टिटी आपने बताई है, इतना डालने से क्या होता है, फेस हो जाता है, हेयर दाढ़ी निकल आती है, आपके बॉल्डनेस शुरू हो जाती है, आप स्टेज पे वो सॉफ्ट लुक लेके नहीं आ पाते, हार्ड लुक लेके नहीं आ पाते, एक्चुअली जो फीमेल का हार्ड लुक होना चाहिए। तो बहुत सारी जो प्रेप्स होती है वो मेल प्रेप की तरह होती हैं। तो आइडियली इसमें बहुत चीज़ें टेक्निकल हैं, ट्रेनिंग में भी टेक्निकल है, न्यूट्रिशन में भी टेक्निकल है, सप्लीमेंटेशन में भी टेक्निकल है, और स्टफ में भी टेक्निकल है। जहाँ पर आपको 0.1 ml देना है, वहाँ पे अगर आप 1 ml दे रहे हो तो आप सोचो 10 गुना डोज में क्या होगा, ज़रूरत ही नहीं है उतना देने की। ठीक है, अगर मेरी एपेटाइट 1 रोटी की है, मेरा पेट भर जाता है, तो मैं 10 रोटी उसे नहीं खिला सकता, बॉडी उसको फेंक देगी बाहर, या तो मुझे लूज मोशन लग जाएंगे, या मैं बिल्कुल ही पूरे दिन खाना नहीं खा पाऊंगा। दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो ये चीज़ें एक्चुअल में जो एथलीट कोच कर रहा है किसी के साथ, उसे ये समझनी चाहिए। बिंदिया मैम का इंस्टाग्राम है bindia_diva, यू कैन फॉलो हर, एंड माय इंस्टाग्राम इज rajatgoyal_prepcoach001। मैं पर्सनली कह रहा हूँ लेडीज़ को दोबारा से, जिन्होंने प्रेप करनी है, सब पे प्रेप करनी है विदाउट फियर, और एक अच्छे कोच का तो भाई सामने खड़ा है, इनके पास जरूर जाना। मैं आप सच्चाई बता रहा हूँ, ये माना सोशल मीडिया से दूर है, पर इंसान एक नंबर है। थैंक यू सो मच।